सच्चे प्यार की आई पहचान है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भी एक दूसरे की फिक्र बहुत करते हैं। जो लोग दिल के खास होते हैं, वो लोग हर पल पास होते हैं। जुबान है सिर्फ एक जरिया नहीं, जो आप शब्दों को समझ पाएंगे। कभी आंखों में झांक कर देखिए, हजारों अल्फाज खुद ब खुद बिखर जाएंगे। कुछ लोग शब्दों से तकलीफ देते हैं, कुछ लोग अपने व्यवहार से तकलीफ देते हैं, कुछ लोग अपनी खामोशी से तकलीफ देते हैं, पर तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब अपना कोई हमें नजरअंदाज करे तो। नफरत एसिड की तरह है, जितना आप लोगों से नफरत करोगे, लोगों को तो कुछ नहीं होगा, खुद आप अंदर से नष्ट होते जाओगे। समस्या सिर्फ उम्मीद और वास्तविकता के बीच है, इसलिए या तो उम्मीद रखना कम करें और वास्तविकता को स्वीकार करें। किसी की यादों से जिंदगी गुजरा नहीं करती, अगर जिंदगी गुजरती तो कोई कभी मिलने की फरियाद ना करता। यादें तो जिंदगी कभी जीने ही नहीं देती। कभी कभी अच्छा होता है अकेले रहना, क्योंकि कोई हमें दर्द नहीं दे सकता। प्यार हर किसी के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जिसे सिर्फ दिल से समझा जा सकता है। कुछ चीजों की तब तक हम कदर नहीं करते जब तक हमें समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तब वो यादें बन जाती है। जिंदगी में कुछ लोग हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए नहीं कि हमें उनके साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए कि वो नहीं होते तो हमें अकेला महसूस होता है। अगर हम सोचे तो हर दिन स्पेशल है, अगर हम महसूस करें तो हर पल यादगार है, अगर हम देखें तो हर कोई स्पेशल इंसान है। अगर हम खुलकर जिए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत। अपने जीवन को इतना सार्थक बनाओ कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सके। शिक्षा मिलना स्वाभाविक है, पर उस शिक्षा से सीख लेने के लिए परिश्रम ही करना पड़ता है। सुखी जीवन का राज धन दौलत मान प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि व्यक्ति का संतुष्ट मन होता है। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके अंदर भरा हो। अपने दिमाग को आप इस प्रकार तैयार करें कि वो हर एक परिस्थिति में शांत रहे। दुश्मन हमेशा दमदार लोगों के होते हैं, कमजोरों से तो लोग सहानुभूति रखते हैं। चाहे परीक्षा शिक्षा के लिए देना हो या जीवन के लिए, सफलता लगातार किए गए प्रयास से ही मिलती है। दूसरों की सुनो मगर अपनी आवाज मत खोने दो। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस सृष्टि का सबसे महंगा सुख है। जो खुद पर विश्वास करता है उसे दूसरों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। क्षमा वो साहस है जो इंसान को जीवन भर गौरव महसूस करवाता है। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपना कहने वाले कितने अपने हैं। आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है उससे आप ये उम्मीद मत रखें कि वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मोड़कर पीछे ना देखना, जो पीछे छूट गया वो तुम्हारा था ही नहीं। याद रखना सलाह सब देते हैं, परंतु मेहनत खुद करनी पड़ती है। ये वहम ही है कि तुम सब कुछ जानते हो, सत्य ये है कि तुम अभी बहुत कुछ नहीं जानते हो। अपने लिए सोचो और दूसरों को भी ऐसा करने का सौभाग्य दे। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर ही रखना चाहिए। लोगों की इतनी कदर भी ना करो कि लोग तुम्हें मतलबी समझने लगे। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। जलेबी सिर्फ मीठी ही नहीं, एक संदेश भी देती है। खुद कितने भी उलझे रहो, पर दूसरों को हमेशा मिठास दो। हर इंसान को नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में रहता है मगर दिखाई नहीं देता, और अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। किसी बात को लेकर अगर आपके दिल और दिमाग के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो हमेशा दिल की सुनो।